ये टॉपिक आपको सब जगह पूछे जाते हैं, प्रमुख व्यक्ति और उनके कथन। अभी देखिएगा, प्रशासनिक सेवा में भी अगर आप एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी का, तो उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कथन दिए जाते हैं और किसने कहा है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज का जो टॉपिक है आपका, प्रमुख कथन एवं उससे जुड़े हुए व्यक्तित्व, उससे रिलेटेड हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक है आपका प्रमुख व्यक्तित्व और उनसे जुड़े हुए कथन। ठीक है, या कह सकते हैं प्रमुख कथन और उनसे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए, आपने देखा होगा टीआरई के जितने भी एग्जाम हुए उसमें यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और निश्चित रूप से इस बात का फुल गारंटी होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन प्रशासनिक सेवा प्लस आपके टीआरई के एग्जाम में यहाँ से पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, हर एक बार पूछ रहा है तो आपको भी पूछेगा ही। टॉपिक है आपका प्रमुख व्यक्तित्व और उनसे जुड़े हुए कथन। ठीक है, क्या क्या कथन है, किसके द्वारा कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है और ये सब जब आप डीपली पढ़ते हैं इसे एनसीईआरटी बुक, तो वहाँ से निकल के आता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो रहता ही है और बीपीएससी में अगर आप देखिएगा, अगर प्रीवियस 4 सालों में, तो आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे गए। ठीक है, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये वही लोग जवाब दे सकते हैं जो बहुत ही रुचि से इतिहास पढ़ रहे हैं, और रुचि जिनके पास होगा इतिहास पढ़ने में वही ये सब कथन खोज खोज के पढ़ते हैं और उनको जो है इसके बारे में जानकारी होती है। हमने तो आपको इकट्ठा करके दे दिया सारा, आपका जो भी कथन है और उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो हमने आपको इकट्ठा करके दे दिया, लेकिन जनरली अगर आप पूरे अच्छे से इतिहास पढ़ते हैं तब जाके आपको ये सब के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कथन है और उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो कौन सा कथन कौन व्यक्ति बोले हैं। जैसे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। वास्तविकता यही है कि गांधी तो गुजर गए, ठीक है, 1948 में ही, लेकिन गांधीवाद आज भी आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं। आज भी आप देखिएगा, जब ब्लॉक में जाइएगा, बीआरसी जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहाँ पे आपको गांधीवाद का जो थॉट है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधी की जो विचारधारा है, चाहे वह समाजवादी विचारधारा हो, चाहे वह उन्होंने हर एक मुद्दे पे, एक सेकेंड, क्या साउंड प्रॉपर नहीं जा रहा है, क्या साउंड प्रॉपर नहीं जा रहा है, साउंड तो सही है, साउंड तो सही है। आप हो सकता है अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हो सकता है आपके मोबाइल का ही वॉल्यूम लो होगा। कई बार क्या होता है कि लोग कम वॉइस करके सुन रहे होते हैं और मुझे चिल्ला चिल्ला करके हल्ला करने की आदत नहीं है, तो हो सकता है आपको कम आवाज़ लग रहा होगा, लेकिन पर्याप्त है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी जो विचारधारा है वो सदैव जिंदा रहेगा, तो ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है। कब कहा है, तो कांग्रेस के अधिवेशन में, कब, कराची का जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कराची में। कई बार पूछेगा कि कब हुआ कराची का अधिवेशन, तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में। ठीक है, अगर पूछेगा कि कराची का अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था, कराची में अधिवेशन, तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची में। ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछे गए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, आपको पता होगा ये भी 1931 में ही होता है, तो याद रखना है आपको, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी विचारधारा सदैव जिंदा रहेगी, यह कथन गांधी का ही है और कराची अधिवेशन के दौरान इन्होंने 1931 में कहा था। अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है, तो याद रखिएगा किस अधिवेशन में, तो 1931 के कराची। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये जब परेशान होकर के जब जिन्ना ने जिद बांध दिया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही, और उन्होंने कलकत्ता या बंगाल जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम लीग जो है आक्रामक हो चुकी थी और जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में सभी जगह जो है आंदोलन करने लगी थी, तब जा कर के सरदार वल्लभ भाई पटेल हों चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, तो सबको एहसास हुआ कि अगर इनको अलग नहीं दिया जाए, अलग देश नहीं बना के दिया जाए, तो पूरा देश जो है सब दिन परेशानी में ही गुजरेगा। ठीक है, और आगे चल के गांधी जी को भी इन लोगों ने मनाया, पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने, और फिर गांधी जी आगे चल के मानते हैं। शुरुआत में तो उन्होंने बोला था कि मेरे लास्ट पर से ही जो है देश का बंटवारा होगा, लेकिन आगे चल कर के जिन्ना की जिद के वजह से जो है सभी लोग झुक गए। और स्वाभाविक सी बात है कि जिस प्रकार से जिन्ना ने जिद बांध दिया था, तो वहाँ पे कोई भी वहाँ पे नेता होते, कोई भी नेतृत्वकर्ता होते उस समय, तो यही निर्णय लेते। ठीक है, तो जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यानी लास्ट में इन्होंने बोला अगर अब जिन्ना जो है नहीं भी चाहेंगे विभाजन, फिर भी अब हम जो है विभाजन चाहते हैं। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा डाली गई परेशानियों के बाद, जब आपका अंतरिम, आपको पता होगा जब संविधान जब बन रहा था तो उस समय मुस्लिम लीग भी थी उसमें शामिल थे। ठीक है, आगे चल करके जब परेशानियां जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया करना, परेशान करना स्टार्ट कर दिया, तब जा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात बोला था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह बात किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष और लौह लेडीज। ठीक है, आयरन लेडीज इंदिरा गांधी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं और आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है और उसका प्रयोग करने की हालात में है। ठीक है, यानी जो ये बात है वो 1946 ईस्वी में, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया और उसके प्रमुख हैं जिन्ना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि दे चुके हैं। ठीक है, जो संवैधानिक प्रक्रिया में अब हमको विश्वास नहीं है, चूंकि उनको सीट कम आया था, आपको पता होगा जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उनको बहुत ही कम सीट आया था, 99 सीट ही आया था 389 में, तो उनको लग रहा था कि हमारे हिसाब से तो काम होगा नहीं, चूंकि बहुसंख्यक तो कांग्रेस है और हिंदू है तो हमारे हिसाब से काम नहीं होगा, तो ये सब बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं और आज हमने भी पिस्तौल बना लिया। ये कहना क्या चाह रहे कि अगर आप हमको पाकिस्तान बांट करके नहीं देंगे तो हम जगह जगह जो है कार्रवाई करेंगे और अपना आंदोलन करेंगे और हत्या वगैरह भी होगा, अहिंसात्मक तो नहीं होगा इसमें। इसमें तो साफ लग रहा है कि प्रयोग पिस्तौल का प्रयोग की बात है, तो यह हिंसात्मक गतिविधि इनके द्वारा किए जाने की बात है नहीं, तो यही सब कथन जो है आपको महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का है, 1946 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग जब सीधी कार्रवाई की घोषणा किया था तो उस समय मुस्लिम लीग की कार्रवाई जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा जल्दी में टाइपिंग हुआ है इसीलिए टाइपिस्ट ने कहीं कहीं मिस्टेक किया है, तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, उसको आप लोग ठीक पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे लिंग है द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा कब हुई थी, ये भी पूछ देगा। मुस्लिम लिंग के द्वारा सीधी कार्रवाई की मतलब अगर आप बांट के नहीं दीजिएगा तो हम लोग जो है ज़बरदस्ती लेंगे, चाहे उसके लिए हमें मारना काटना पड़ेगा हिंदुओं को, वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात कहने का इनडायरेक्ट रूप से इनका यही था, पिस्तौल वाली बात। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था 1946, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। अब देखिए यहाँ पे, अब तो ये सब एकदम पूछेगा आपको, अब तो सत्ता दर्जनों बदमाशों लुटेरों के हाथ चली जाएगी जो आपस में खूब लड़ेंगे और भारत जो है राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा, यह बात किसने कहा था? तो यह बात विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल जो कि एक अंग्रेज अधिकारी हैं, हस्तांतरण के प्रश्न पर उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर कहा था कि अब जो है सत्ता दर्जनों बदमाश और लुटेरे के हाथ लग जाएगा भारत का, और
जो है भारत राजनीतिक झगड़ों में ही खो जाएगा। यानी भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा चल रहा था, मुस्लिम लीग कांग्रेस की जो लड़ाई की बात चल रही थी, तो उस पर उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने ये बात बोला था। ठीक है, तो ये कथन भी याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल का है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार सारी धाराएं अपनी जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसको ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, यानी ये धार्मिक पंक्ति है, जिस प्रकार से सारी धाराएं, जितनी भी नदी हैं उसकी धाराएं जाके कहाँ मिल जाती है, सागर में, उसी प्रकार से मनुष्य के जो कर्म होते हैं, जो धर्म होता है, वो मनुष्य को कहाँ मिला देता है, ईश्वर में मिला देता है। तो ये बात किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, धार्मिक कथन है स्वामी विवेकानंद, फिलॉसफी दार्शनिक कथन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद का ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, खूब ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ से पूछे जाएंगे 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, प्रशासनिक सेवा में तो खूब पूछा जाता है, और साथ साथ अभी TRE 3 में भी हिस्ट्री जिनका होगा, चाहे 6-8 में है, चाहे 9-10 में, 11-12 में, वो भी अच्छे से ये सब लाइन पढ़ के जाइए, डायरेक्ट लाइन उठा के दे देगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो 1-5 में भी, और ये मॉडर्न हिस्ट्री के ही सारे लाइन हैं। ठीक है, सुन लीजिए अच्छे से, याद रखिएगा। चलिए, जो काम 50,000 हथियार बल सिपाही ना कर सके, उसे किसने, गांधी जी ने कर दिया, उन्होंने शांति कायम कर दी, यह बात किसने कहा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद, जैसे आज़ाद हिंद फौज था, या बहुत सारे संगठन थे जो देश आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनसे देश आज़ाद हुआ नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी ने सत्य अहिंसा के बदौलत जो है जो काम कारनामा कर दिया, वो जो है 50,000 हथियार बंद नहीं कर पाए। यह बात जो है अंग्रेज जो लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उनका कथन है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत का, या भारत के आज़ादी के समय भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन रहे थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा। आगे स्वतंत्र भारत में राजगोपालाचारी आते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल है, और उन्होंने ही कहा था कि जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सके, वो काम गांधी जी ने, शांति महात्मा गांधी ने कर दिया और शांति कायम कर दी। ठीक है, यह बात लॉर्ड माउंटबेटन का है गांधी जी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भाग चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा ही, मगर किसी प्रकार का भारत वे छोड़कर जाएंगे, कितनी भयंकर गरीबी होगी, जब शताब्दियां पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा, तब वे किस प्रकार जो है बेकार कीचड़ में और गंदगी में अपने पीछे भारत को छोड़ जाएंगे। मतलब ये कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को लेकर के कहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर तो जाना ही है, आज नहीं कल तो जाएंगे ही, लेकिन तब तक भारत गरीबी या जो है पिछड़ापन या अन्य जो भी तरह की समस्याएं हैं उस कीचड़ में किस प्रकार से होगा, ये कहना मुश्किल है। तो ये बात जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ये पूरा यानी भाग चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को, इनको पता था कि कभी न कभी अंग्रेज को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इतना, चूँकि ये भी पूरे जो है दार्शनिक व्यक्ति ही हैं और बहुत तरह जो है यहाँ पे थिंकर हैं एक प्रकार से कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा थॉट भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इनका एक थॉट है, उन्होंने अपना बोला है, तो उसको कई बार हो सकता है पूछ दे, इतना बड़ा तो क्वेश्चन में देगा नहीं। ठीक है, एक लाइन दे करके पूछ सकता है कि यह कथन किसका है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, चलिए, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, यानी हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, किंतु अल्पसंख्यकों की इच्छाओं के को बहुसंख्यक पे थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कथन लॉर्ड एटली का है। ठीक है, यानी हम अल्पसंख्यक के बातों को मानेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक के हित के कारण हम बहुसंख्यक के बातों को ऐसा नहीं कि नकार देंगे, यानी उस पर कुछ भी हम थोप देंगे अल्पसंख्यक कारण, यह बात लॉर्ड एटली का है। ठीक है, और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज एटली ही थे। ठीक है, अब यदि मुझे अकालियों जैसे 1,00,000 स्वयंसेवक मिल जाएं, तो मैं 1 वर्ष के अंदर देश के लिए स्वराज जीत लूं। अकाली दल है जो कि पाकिस्तान में है, सिखों का है। ठीक है,
अगर इन्होंने कहा अकालियों के लिए, जिस प्रकार से अकाली लोग जो है सर्वस्व निछावर करते हैं अपने दल के लिए, पंजाब का एक राजनीतिक पार्टी है, अगर उस प्रकार से अगर हमें 1,00,000 स्वयंसेवक मिल जाए अकाली दल की तरह, तो मैं 1 वर्ष के अंदर स्वराज जीत लूँगा, यानी अपने देश को आज़ाद कर लूँगा। यह कथन गांधी जी का है। यह कथन किसका है तो याद रखिएगा, गांधी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर बार उस देश में जन्म लेना चाहता हूँ, जन्म लूँ और बार बार मुझे फांसी के फंदे पर झूलता रहूँ जब तक कि मेरा देश आज़ाद ना हो जाए। ये कथन करतार सिंह ने बोला था कि मैं उस देश में, मैं हर बार इस, यहाँ पे ये होगा, इस होगा, मैं हर बार इस देश में जन्म लूँ, यानी भारत में जन्म लूँ और तब तक बार बार जन्म लूँ और बार बार फांसी के फंदे पर भी झूलता रहूँ जब तक कि मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाए। यानी हर एक बार वो बोल रहे हैं कि हमें इसी देश में जन्म चाहिए और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता है, भले हमको बार बार फांसी के फंदे पे झूलना पड़े, तब तक मैं झूलता रहूँगा। यह बात किसका है तो करतार सिंह का है। ठीक है, याद रखिएगा, यह बात किसका है तो याद रखिएगा, यह बात जो है करतार सिंह का है। यह बात किसका है, करतार सिंह का है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा देख लीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनकर बनाकर हम ऐसे विष बीज बो रहे हैं जिसे कि जो फल होगी या फसल होगी वह बहुत कड़वी होगी, सांप्रदायिकता फैला भी रहे और बोल भी रहे हैं ये बात, और सांप्रदायिक पंचांग भी लाया, सांप्रदायिकता के आधार पर जो है आरक्षण की बात भी की और वहाँ भी दिया भी गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपने पढ़ा होगा 1909, उसमें साफ साफ यह बात जो है मिंटो ने बोला था। याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विष बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, और यही फसल बीज जो है आगे चल करके आपको पता होगा पाकिस्तान के रूप में दिखा। ठीक है, यानी ये बीज जो है आगे चल करके पाकिस्तान रूपी पौधा बनेगा। ठीक है, तो यह बात जो है पहले ही बोल चुके थे लॉर्ड मार्ले। ठीक है, लॉर्ड मार्ले ने ये बात बोला था मिंटो के पत्र, सॉरी याद रखिएगा, मिंटो को जो पत्र लिखे थे लॉर्ड मार्ले, मिंटो अधिनियम आपने पढ़ा होगा 1909 में। ठीक है, मिंटो तो चाहते ही थे कि सांप्रदायिकता के आधार पर भारत बटा रहे, यानी हिंदू मुस्लिम दंगा होता रहे जिससे कि हम ज़्यादा शासन कर सके ज़्यादा दिन तक। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड मार्ले जो कि भारत सचिव हैं वो बोलते हैं कि यह जो हम लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी फसल जो होगी वो कड़वी होगी। ठीक है, और वास्तव में हुआ ही। ठीक है, तो ये बात जो है मार्ले, लॉर्ड मार्ले जो कि भारत सचिव थे उस समय, 1909 का अधिनियम आपने पढ़ा भी होगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो उसी समय की बात है कि याद रखना पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विष बीज बो रहे हैं जिसकी फसलें आगे बहुत कड़वी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लाइन जो है, कांग्रेस ने देश की एकता के लिए सदैव बहुत कुछ किया, आज हमारे सामने दो ही मार्ग है। ठीक है, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना की स्वीकृति तथा आत्महत्या, यह बात किसने बोला है तो गोविंद बल्लभ पंत का है। कांग्रेस सनय सनय, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा था इस बार TRE3 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा था, याद कीजिए, TRE3 के ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही लाइन पूछा था, यही लाइन आपके एग्जाम में पूछा था। कांग्रेस सनय सनय लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उनकी शांतिमय मृत्यु में सहायक बनूं। देखिए कितनी इच्छा है अंग्रेजों की, बनाने वाले भी स्वयं ही हैं, कांग्रेस जो थी अंग्रेजों के द्वारा ही, ठीक है, कह सकते हैं बनाया भी गया था, एओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और अंग्रेज अधिकारी ही चाह रहे हैं कि कांग्रेस मर जाए। ठीक है, कांग्रेस सनय सनय मतलब धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है, लॉर्ड कर्जन की इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं, यानी उसको मरता देखूं, यानी कांग्रेस पार्टी खत्म होता देखूं। यह बात लॉर्ड कर्जन ने स्वयं कहा है। ठीक है,
और आपको पता होगा बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है, तो उसी समय का बात है ये। कांग्रेस भारतीयों की एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस पूरे भारत का नेतृत्व नहीं कर रही है, वो एक केवल सूक्ष्म भाग यानी प्रतिनिधित्व जो विकसित लोग हैं कह सकते हैं उस समय, खास करके जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या जो वकील हैं, वकालत करते हैं, वो सब का प्रतिनिधित्व ये कर रही है, ठीक है, सूक्ष्म लोगों का, इसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं है, केवल हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, मुसलमान सिख इसमें शामिल नहीं, इस तरह की बात जो है प्रतिनिधित्व करती है यह बात लॉर्ड डफरिन, और कांग्रेस भी जो है लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज थी, याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज क्या है, कांग्रेस भी है। यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही ठीक है ताकि शरीर के अन्य भागों में जहर ना फैले, यह जो बात है यह बात सरदार पटेल का है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, यदि शरीर का कोई भाग अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही ठीक है, ये संदर्भ वही पाकिस्तान को लेकर के है, ठीक है, और उस समय लास्ट में सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो, ठीक है, बाद में भले ही जो भी हो लेकिन उस समय चूंकि उनको पता था कि जिस प्रकार से वहाँ के लोग सोच रहे हैं उस प्रकार से देश में अगर शामिल होते हैं तो देश को ज़्यादा हानि हो सकता है, ठीक है, तो यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही ठीक है ताकि शरीर के अन्य भागों में जहर ना फैले, यह बात सरदार पटेल का है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब वे मुस्लिम लिंग के लोग हमारा साथ रहने को तैयार ही नहीं थे तो हम उन्हें क्यों और कैसे विवश कर सकते थे। कई बार कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने देश विभाजन कर दिया, गांधी जी पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने देश विभाजन करवा दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुस्लिम लिंग की जो जिद थी वो देश विभाजन करवाई थी। जब वे मुस्लिम लिंग के लोग जो थे वे हमारे साथ रहने को तैयार नहीं थे तो हम उन्हें क्यों और कैसे विवश कर सकते थे हमारे साथ रहने के लिए, यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कई बार जवाहरलाल नेहरू को आरोप भी लगाया जाता है, खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए उसने देश को बंटवारा कर दिया, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि जो भी तोड़फोड़ हुई है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं। यह बात महात्मा गांधी ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था, यानी जिस प्रकार से भारत छोड़ो में तोड़फोड़ किया जा रहा था, जैसे आज़ाद हिंद फौज जो कि बिहार में थी, जयप्रकाश नारायण की पार्टी आप याद कीजिए, वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, ठीक है, गांधी जी वगैरह को तो कैद कर लिया गया था जब उन्होंने ग्वालियर टैंक मुंबई से घोषणा किया था करो या मरो का, उसी दौरान जो है आपके पटना में भी 7 शहीद हुए, तो ये सब घटना तो आप लोग अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर ये है कि मुझे लगता है कि जो भी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, यह बात गांधी जी ने बोला था सितंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस जनों को यह समझना होगा कि प्रस्तावित आंदोलन पिछले स्वविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना में अधिक तीव्र और विस्तृत हो सकता है, यह बात भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस जन को यह समझना होगा कि जो आंदोलन होने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन, वो स्वविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930-31 में हुआ है उससे कहीं विस्तृत और तीव्र होगा, चूंकि यहाँ पे करो और मरो का बात होगा, तो यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह इतना बड़ा कथन कहा था। कांग्रेस जनों को यह समझना होगा कि प्रस्तावित आंदोलन पिछले स्वविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना में अधिक तीव्र और विस्तृत होगा, यह बात किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर निर्भर कर इसे खोना ना होगा, ठीक है, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था लेकिन हमें सिर्फ वादा करके
या बाधा पर निर्भर होकर के इसे खोना नहीं होगा। अबुल कलाम आज़ाद का यह कथन है, ठीक है। यह कथन किसका है? तो अबुल कलाम आज़ाद का है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नियत कभी नहीं थी कि भारतवर्ष का शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाए। ये बात गांधी जी कहते हैं कि कभी भी अंग्रेज जो है राजनीतिज्ञ, जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं, उनकी नियत नहीं थी, ठीक है। वो तो लास्ट में जो है भारत उन्होंने देख लिया जब वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी, ठीक है। तो लास्ट में जा करके उन्होंने भारत को आज़ादी की घोषणा की थी, ठीक है, लेकिन उनकी नियत आज़ाद करने की नहीं थी। महात्मा गांधी ने यह बात बोला था। अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों, परंतु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक आंदोलन के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। यानी अन्य देश में भले ही लोग क्रांति करके गोली बंदूक के बल पे देश को आज़ाद करा लेंगे, स्वतंत्र करा लेंगे, लेकिन भारत के पास यह जो है एक ही उपाय है, वो है अहिंसा। इसके अलावे भारत के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कि भारत को आज़ाद किया जा सके। यह बात गांधी जी ने स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कही थी। ये सब डायरेक्ट पूछ सकता है आपको, लाइन दे देगा और कहेगा यह कथन किसका है, ठीक है। इस तथ्य से आंख मूंद लेने से कोई लाभ नहीं है कि हम एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता हैं। लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो हैं वो गरम दल के हैं। कांग्रेस में ही नरम दल और गरम दल होता है, तो ये लोग गरम दल के हैं, गरम मिजाज के हैं, लाठी डंडे की बात करेंगे, ठीक है। इस तथ्य से आंख मूंद लेने से कोई लाभ नहीं है कि हम एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि कांग्रेस ने एक जो 1885 के बाद जो 1905 के बीच में जो नरम भूमिका निभाई, प्रार्थना याचिका पेटिशन जो दायर कर करके, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। उल्टे देश विभाजन के सिवा, उल्टे जो है हिंदू मुस्लिम दंगा के सिवा, तो इसलिए इन्होंने यह बात बोला कि अब देश ऐसे आज़ाद नहीं होगा, उसके लिए क्रांति चाहिए और क्रांति से गुजर रहा है देश। यह बात जो है लाला लाजपत राय ने बोला था, ठीक है, याद रखिएगा। स्वराज शब्द को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने कहा, इसका अर्थ है स्वशासन, साम्राज्य में यदि संभव हो, यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी, ठीक है। स्वशासन की बात करते हैं, साम्राज्य के अंदर अगर संभव नहीं हुआ साम्राज्य के अंदर, तो साम्राज्य के बाहर जा कर के भी शासन की बात उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने। मुझे लगता है सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है, यह कथन किसका है? तो यह भी कथन महात्मा गांधी का है। स्मरण रहे, जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना होगा, जमींदारों से लड़ाई करने से जो है नहीं काम चलेगा, आंदोलन शिथिल पड़ जाएगा। जमींदारों को अपना मित्र बनाना होगा, क्योंकि जब 1920-22 में असहयोग आंदोलन हो रहा था, आगे चल करके 1930 में स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस समय किसान नेताओं ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन में भी किसान नेता पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि उनका जो विरोधी था वो जमींदार भी थे, तो कांग्रेस पार्टी जो है जमींदारों को साथ लेके चलना चाह रही थी, जबकि जो किसान के जो नेता थे, किसान की जो पार्टी थी, किसान आंदोलन जो करता थे, वो नहीं चाहते थे कि जमींदार उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसी पर उन्होंने कहा था, स्मरण रहे जमींदारों को हमें अपने मित्र बनाना है, महात्मा गांधी ने यह बात बोला था। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था, अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्रांति का अर्थ ही होता है अमूल चूर्ण परिवर्तन, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन जो भगत सिंह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रांति का तात्पर्य है कि अन्याय पे आधारित मौजूदा
जो उस समय अन्याय पर आधारित ब्रिटिश हुकूमत थी उसको समाप्त होना चाहिए। यह बात भगत सिंह ने अदालत के बयान में, जब अदालत में जब बयान पेशी हो रहा था उनका, उस समय बोला था। क्रांति का तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित जो मौजूद व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह ने ही कहा, और ये भारत के साम्यवादी विचारधारा से भी प्रभावित नेतृत्व करता है, ठीक है। मुख्य बात यह है कि जनता की सामाजिक व आर्थिक मुक्ति हमारा लक्ष्य होगा, ठीक है। केवल देश आज़ादी से कुछ नहीं होगा, देश आज़ाद तो हो गया 1947 में ही भारत, लेकिन क्या आज भारत भुखमरी और गरीबी से आज़ाद हुआ है? क्या आज लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं भारत के? क्या? तो आज भी नहीं हुआ। तो ये बात बहुत पहले ही हमारे जो क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने कहा, केवल देश आज़ादी मिल जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि सामाजिक मतलब सभी जाति धर्म से उठ करके सोच होनी चाहिए, सबको समता मिलनी चाहिए। दूसरा है कि आपको आर्थिक रूप से सभी लोग की तरक्की होनी चाहिए, वो जिस प्रकार से हो सरकार को उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। केवल देश आज़ादी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात भूपेंद्र नाथ दत्त ने कहा था, याद रखिएगा कि मुख्य बात यह है कि जनता की सामाजिक व आर्थिक मुक्ति हमारा लक्ष्य होगा, यह बात भूपेंद्र नाथ दत्त ने कहा था। यह युद्ध तभी सफल हो सकता है जब हमारा समर्थन जनगण और नियमित सेना करे। गदर पार्टी, जनगण मतलब जनता जो यहाँ की है, और साथ साथ जो सेना है वो अगर हमारा समर्थन करेगी तभी हमारा यह आंदोलन सफल होगा, यह बात गदर पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कहा था, ठीक है। शक्तिशाली जर्मनी के साथ मैत्री संबंधों की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की कड़ी प्राप्ति करने में लाभदायक होगा, यह बात किसने कहा था? तो मैडम भीकाजी कामा, जिसको क्रांतिकारियों की जननी भी कहा जाता है, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पराधीनता की ग्लानी जब जब असहाय हो जाती है तब तब सभी देशों में देश प्रेम का प्रकाश आतंकवाद के रूप में दिखाई पड़ता है। जब पराधीनता यानी जब गुलामी से लोग असह उठते हैं यानी परेशानी होने लगती है उनको, तब जा करके जो देश प्रेम होता है वो आतंकवाद के रूप में जन्म लेता है, यह बात भी भूपेंद्र नाथ दत्त ने ही कहा है। देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, देश के लिए क्या है? स्वराज परम आवश्यक है, सुधार और उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह बात किसने कहा है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। यानी केवल सुधार करने से, देखिए ये तब की बात है जब बात चल रही थी कि स्वशासन की बात नहीं हो रही थी, यानी अंग्रेजों के अधीन रह करके ही देश का जो है काम करने की बात हो रही थी, ठीक है। तो स्वराज जो अपना राज बहुत जरूरी है, सुधार और उत्तम राज से इसका विकल्प नहीं हो सकता। अगर अंग्रेज उत्तम राज भी चलाएंगे तब भी वह विकल्प स्वराज का नहीं है, यह बात लाला लाजपत राय ने कहा था, याद रखिएगा। यानी अपना देश अपना शासन होना चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए किसने कहा है कथन वो एकदम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कथन को हम बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को रिपीट करते रहना होगा। लॉर्ड कर्जन पक्का और जोशीला साम्राज्यवादी था, ठीक है, जोशीला लॉर्ड कर्जन, उसे स्वराज की भावना से कोई सहानुभूति नहीं थी, न ही जनता के सहयोग में उसे विश्वास था, उसका आदर्श केवल था तानाशाही शासन, यह बात लॉर्ड कर्जन के लिए किसने कहा है? तो यह बात लॉर्ड कर्जन के लिए आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, जो कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा है, ठीक है। 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के लिए असफल संघर्ष करने के बाद हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुआ, यह बात किसने कहा था? तो यह बात लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। जब रोलेक्ट एक्ट आया था तब वे ना तो भारतीय समाज के रईसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ना उनका विशेष संपर्क या सहानुभूति जनसंख्या के विराट के अंश से है, तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद इनसे उदारवाद की कार्य पद्धति से पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिलेगा, कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला है, यह बात लाला लाजपत राय ने कहा।
यह एक ऐसे लूटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है, यानी लुटेरा लूट रहा है, ये अंग्रेज को बोल रहे हैं। कब? तो 1867 के ही दौरान। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एक किताब लिखा है दादा भाई नौरोजी ने, और उसमें ये सब चर्चा करते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, पारसी थे। यह एक ऐसे लूटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और साफ बचकर निकल जाता है। और देखिए मेंस वाले, अब तो हिस्ट्री का ख़त्म हो गया, अब तो ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन पहले क्या था, जब मेंस राइटिंग था तो ये कथन दे देता, अब इस कथन के एवज में आपको लिखना होता था पूरी आर्थिक नीति अंग्रेजों का, किस प्रकार से भारत से शोषण कर रहे थे, तो पूरा लिखना होता। अगर ये कथन लिख देता उसके बाद आपको इस कथन को समझते हुए पूरा लिखना होता तो और भी ज़्यादा टफ था। तो अब तो आपको ऑप्शनल हटा ही दिया है, केवल ऑब्जेक्टिव है, तो अब ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बहुत पूछेगा तो ये कथन किसका है, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। यदि कोई भारतीय इस प्रकार अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता भी है तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में ही ना आने देते, ठीक है। यह बात किसका है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का है। महत्वपूर्ण है, हम खुद वहाँ पे इम्फेसाइज करेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं उतना। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि इससे आसन्न क्रांति की संभावना मिट जाएगी, जो बड़ा क्रांति होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेज यूज करना चाह रहे थे कांग्रेस को, ठीक है, या उसका खतरा टल जाएगा, यानी बड़ा जो आंदोलन होगा जनता का वो नहीं होगा। यह बात रजनी पामदात एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, और यही बात लाला लाजपत राय ने भी बोला है कि यह सेफ्टी वाल्व था, यानी जनता की जो मांगे थी वो कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेज जान जाते, थोड़ा बहुत बातों को मान करके दबा करके रख लेते, उसको एकाएक आंदोलन के लिए या उतना उत्तेजित होने से बचा लेते। तो ये बात रजनी पामदत्त का भी कहा गया, इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कांग्रेस की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि उसने जो आसन्न क्रांति की संभावना है, जो बड़े लेवल पे क्रांति की संभावना है, उसका खतरा टल जाएगा। यह बात रजनी पामदत्त का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इनके जन्मदातों की साम्राज्य की छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी, यानी मेन रूप से कांग्रेस की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के सपोर्ट के लिए, ठीक है। यह बात भी लाला लाजपत राय ने कहा, और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। आज़ादी इंसान की पैदाइशी हक है, गुलामी खुदा की मंशा के खिलाफ है, यानी कोई आज़ादी क्या है कि जब जन्म लेता है तभी से उसको आज़ादी है, पैदाइशी हक है लोगों की, और गुलामी जो है वो अंग्रेजों ये ईश्वर गॉड जो है अल्लाह के खुदा के मंशा के खिलाफ है। भारत आज़ाद होगा और इससे उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, यह बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। तो ये सब डायरेक्ट लाइन पूछ देगा किसने कहा था, तो याद रखिएगा मुस्लिम। देखिए यहाँ पे तो एक तो ऑप्शन ऐसे ही छांट लीजिएगा, क्योंकि जब शब्द यहाँ पे उर्दू शब्द है, जैसे आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है, पैदाइशी आया उर्दू आ गया, गुलामी खुदा आ गया, समझ जाइए, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो आपको ऐसा ही जो है ये समझ जाइएगा कि अब इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग ही होंगे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है एग्जाम में, हर एक चीज़ आप पढ़ के नहीं जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन में ऑप्शन काटने आना चाहिए, ये समझिए ये नहीं होगा। अब तीन तो ऑप्शन है, चौथा तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक है, और इस तरह के क्वेश्चन में जनरली ऑप्शन कोई ना कोई आपको दे ही देता है, एक से अधिक वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको खास करके ज्योग्राफी वगैरह में दिखता है, ठीक है। चलिए, सत्ता जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह बात किसने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। होम रूल भारत का अधिकार है और राजभक्ति के रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मुक्तापूर्ण है, ठीक है। उसके बाद, भारत राष्ट्र के रूप में किसी की कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए, यानी भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना है, यह बात श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था। यदि सरकार आज मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उत्तर दूंगा उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं है जो मैं अपने बाहुबल से ना लिया हूँ। अब देखिए
कितना क्रांतिकारी विचारधारा है। अगर तुम हमको दे भी दोगे स्वराज ऐसे, तब भी नहीं लूँगा, ठीक है, ऐसे लूँगा, लड़ के लूँगा, छीन के लूँगा, अपनी बाहुबल से लूँगा, ठीक है। तो ये बात, चूँकि ये भी तो गरम दल के ही है बिपिन चंद्र पाल, यदि सरकार आज मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उत्तर दूंगा उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे ऐसा कोई स्वीकार नहीं जो मैं अपने बाहुबल से ना लिया हूँ। यह बात किसने कहा? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा, यानी बाहुबल दिखाना ही है। भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार है स्वशासन, यानी भारत की दुख और जो भी बुराइयां भारत में चल रही है उसका एक ही इलाज है, उपचार है, वो है क्या है? तो स्वशासन। यह बात किसने कहा है? तो यह बात दादा भाई नौरोजी ने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा है, ठीक है। देखिए आप लोग जो भी लोग हैं YouTube पे देखते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में चैनल को जरूर शेयर किया कीजिए, साथ ही कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो कोर्स से भी जुड़िए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। कोर्स से जुड़ने से आपको फ़ायदा बहुत होता है, आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाता है, PDF आपको मिल जाते हैं, और वीडियो हर एक टॉपिक का वीडियो हमारे कंटेंट में परे हुए हैं, चाहे आप हिस्ट्री देखिए, ज्योग्राफी देखिए, पॉलिटी देखिए, इकोनॉमिक्स देखिए, चाहे आप बेसिक साइंस देखिए, मैथ देखिए, रीजनिंग देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारे फोल्डर बने हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं, और अच्छे से आपको हर एक लेवल की तैयारी उसमें कराई गई है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा जब आप कोर्स से जुड़ेंगे तो। चलिए, भारत के हिंदुओं और मुसलमानों उठो, भाइयों उठो, परमात्मा के सभी वरदानों में राज ही उसका दिया हुआ सर्वोत्तम वरदान है, जिसे शैतान ने उसे हमसे क्या किया है, दल से लूट लिया है। देखें वह कब तक उसे संभाल सकता है। बहादुर शाह जफर, अंतिम बादशाह जिसको अपनी जमीन भी नसीब नहीं हुई थी, और रंगून जाकर के जो है काला पानी की सजा के दौरान इनकी मृत्यु हुई। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अपना अंग्रेजों का खिलाफ किया था। चलिए, लोकतांत्रिक चुनाव पासे का एक ऐसा खेल होगा जिसमें एक आदमी के हाथ में चार पासे होंगे और दूसरे के हाथ में सिर्फ एक पासा होगा। यह बात किसने कहा था? तो सैयद अहमद खान ने कहा था। इस समय कांग्रेस का हालत निश्चित तौर पे गड़बड़ है, जनता के बीच अब उसकी पकड़ नहीं रही है। यह बात विलिंगटन ने कहा था। आम जनता को जिस माध्यम से पढ़ाया लिखाया जा सकता है वह माध्यम लोगों की क्षेत्रीय भाषाएं ही हो सकती है, यानी लोकल लैंग्वेज, ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट। तो यह बात कैप्टन कैंडी ने कहा था, कैप्टन कैंडी ने कहा था कि लोगों को अगर पढ़ाना है तो उसके क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाना है, ठीक है। आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल हैं और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं है। और यह बात किसने कहा था? तो आपको पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु। महारानी की करोड़ों जनता में से कोई अन्य लोग इतने राजभक्त नहीं जितने भारतीय शिक्षित लोग हैं, यानी भारतीय शिक्षित लोग ही महारानी के जो है भक्त बने हुए हैं। यह बात बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था, ठीक है। मृत तथा दफनाए या जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मरकर दफनाए या जलाए जा चुके हैं, अतः मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। महादेव गोविंद रनाडे का ये कथन है। हमारा मत यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित धर्म सत्य है। यह बात किसका है? तो केशव चंद्र सेन का है। प्रगति के साथ भारत की सरकार को प्रेम भाव अब समाप्त हो गया है। यह बात एसपीआर का है, ठीक है। अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना अनिवार्य जरूरी है। यह बात किसने बोला था? तो लेंस डाउन, ये सब अंग्रेज अधिकारी हैं। सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार की सबसे नरम रूप हो सकती है। यह बात किसने कहा है? तो चार्ल्स वुड ने कहा है। हम अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे।
देखिए ये पूछ सकता है आपको, हम अपने हाथों अपने आजादी की कब्र नहीं खोदेंगे, यह बात किसने कही थी? मणिकर्णिका, जिनका नाम था बचपन का लक्ष्मीबाई, ठीक है, याद रखिएगा। पुरानी टिमारी की मनोदशा व तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पूंजीवाद की मनोदशा तथा तरीके में बदल गए हैं, थॉमसन व गैरेट का ये कथन है। चलिए ये सब नहीं पूछेगा, देखिए कथन पूछेगा गांधी जी वाला, जो प्रमुख अंग्रेज गवर्नर है उन्होंने जो बोला, जैसे डफरिन ने कुछ बोला, लॉर्ड कैनिंग ने बोला, कर्जन ने बोला, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपको अंदाजा लग जाए क्या पूछ सकता है। ये पूछ सकता है, मनुष्य की अत्यंत पतित व निकृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाम मात्र की भावना रह गई है, यह चार्ल्स ग्रांट ने कहा है। काफिरों को दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं व नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना अच्छा है। यानी जितने भी काफिर हैं जो दास बन के अंग्रेजों का खट रहे हैं और पेंशन पे जिंदा है, उनको उससे अच्छा है कि इनके साथ युद्ध करके योद्धा की तरह मर जाना ही बेहतर है, यह बात टीपू सुल्तान ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान वाला पूछते रहता है। और एक बात और भी बोला था, ठीक है, 100 गीदड़ के जगह जो एक शेर वाला जो जीवन ज़्यादा बेहतर है, देखिए आगे आएगा इस तरह कथन उसका ही है। चोल कलाकार दैत्याकार कल्पना किया करते थे और उनकी उंगलियां जौहड़ियों के समान कार्य किया करती थी, फर्ग्यूसन ने कहा। ऋग्वेदी का ये सब प्राचीन इतिहास के, ये सब आपके एग्जाम के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। हाँ, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में जो कथन है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बांध दिया और उनकी प्राण शक्ति को छिन्न कर दिया, बुकानन का कथन है। ये पूछ सकता है, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। जो भी किसान है भारत को केवल विदेशी लोगों से ही मुक्ति नहीं, बल्कि जो भारत में भी उनका शोषण हो रहा है पूंजीपतियों के द्वारा, उससे भी मुक्ति, चूँकि ये भी जो थे साम्यवाद से प्रभावित थे, पूंजीपति वर्ग से प्रभावित थे, ठीक है। पुलिस जनता के चाबुक की तरह है और उसका उत्पीड़न हमारी सरकार के प्रति असंतोष के मुख्य कारणों में से है, विलियम एडवर्ड्स। चलिए ये सब पढ़िएगा। भारत में अनंत अंधकार में रात्रि का प्रारंभ हो गया, किस युद्ध के बाद? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ उसी के बाद। हम सब इस धरती के बेटे, हमें साथ रहना है, मेरी बात मानिए, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। शुरुआत में जिन्ना बोलते थे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी इनको कहा गया था, एनी बेसेंट ने बोला था जिन्ना को। आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं तथा इस्पात की नारियों की, यह बात किसने बोला था? तो यह बात स्वामी विवेकानंद ने बोला था। अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का संबंध करें, जॉर्ज ऑक्सेंडन का कथन है। चोरी हत्या झूठ आदि पाप नहीं है, ना दान जप तप सत्य से कोई पुण्य नहीं मिलता, कर्मों का कोई फल नहीं होता पूर्ण कसर, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ देखिए, लॉर्ड डलहौजी वाला फिर महत्वपूर्ण है, जो सब आपके अंग्रेज अधिकारी चर्चा में है स्वतंत्रता संग्राम, उसका कथन पूछ सकता है। भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय में की बात है, यह बात किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि भारत के जो देशी राज्य हैं उसकी समाप्ति कुछ ही समय, चूंकि यह लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, व्यपगत के सिद्धांत के तहत सभी देशी रियासतों को अंग्रेज जो ब्रिटिश भारत है उसमें मिलाता था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो इसीलिए यह बोला था, याद रखिएगा। वह ह्यूम चतुर और सज्जनवत है लेकिन कुछ सनकी लगते हैं लॉर्ड डफरिन। देशभक्ति ही धर्म है तथा धर्म ही भारत के लिए प्रेम है, यह बात किसका है? ये भी फिर महत्वपूर्ण है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी। देशभक्ति ही धर्म है तथा धर्म ही भारत के लिए प्रेम है, यह कथन किनका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। मैं एक दिव्य दृष्ट नहीं हूँ, मैं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ, यह बात किसका है, कथन किसका है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कथन तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ जो चर्चित महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं उनके कथन को भी आप लोग बार बार पढ़िएगा, ठीक है, निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सच्चा राष्ट्रपति पुरानी आधारशिला पर निर्माण करने की इच्छा रखता है,
सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के नाम पर हम अपनी संस्थाओं की अंग्रेजीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, यह बात बाल गंगाधर तिलक का है। राष्ट्रीयता अभियान तर की एक देवी नियोजित शक्ति है और इसके पूर्व की यह सार्वभौम ऊर्जा के हृदय में जहाँ से यह आई है लौट जाए, इसे अपना ईश्वर प्रदत्त कार्य कर लेना चाहिए, यह बात अरविंद घोष का है। ब्रिटिश शासन अपने वजन और शक्ति में दुर्धर्ष बेलन है जिसके अपने उपयोग हैं, किंतु इससे भूमि के उपजाऊ होने में मदद नहीं मिलती, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जाति को नहीं। आने वाले विश्व में कोई जाति व्यवस्था नहीं रह जाएगी, यह बात किसका है? नामदेव का है। ठीक है, यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूँगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूँ, यह बात किसका है? तो अकबर का है। ठीक है, तो ये सब मुगल काल के भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। जैसे बलबन वाला पूछ सकता है, व्यक्तियों के ऊपर शासन को एक मामूली व महत्वहीन कार्य ना समझो, यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए, यह बात लौह रक्त की नीति जो अपनाता था बलबन, याद होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए ये सब नहीं। हाँ, यदुना सरकार का देखो, शिवाजी की जावली विजय जानबूझकर की गई हत्या एवं संगठित छल कपट का परिणाम था, यदुना सरकार का कहा गया है। ये पर्सी ब्राउन वाला क्या, जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोत्मुख हो गई है, पर्सी ब्राउन का कथन है। ये सब कुछ मुगल वाला भी पूछे जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे हलाकों को देखते हुए यह एक नई दुनिया है, इसके पहाड़ दरिया जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और उनकी भाषाएं, इसकी वर्षा, सबकी भिन्न है, सब भिन्न है, यह बात बावननामा में, भारत के बारे में बावन ने लिखा है बावननामा में। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग। दक्षिण में औरंगजेब के यश और शरीर दोनों की समाधि बनी स्मित का है। उन प्रांतों के खेतों में न फसलें रही, न कोई वृक्ष रहा, उनके स्थान पर वहाँ चोरों और मनुष्य की हड्डियाँ बिखरी, चारों ओर बिखरी है मानुची मंची। ठीक है, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। मेन रूप से इसमें आपको देखने वाला वही है, मॉडर्न हिस्ट्री के जो लाइन है वो आपको तीन चार क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो पूछा जाएगा आपको, खास करके जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, उनके कथन, या जो अंग्रेज अधिकारी भी चर्चित हैं उनके ही कथन यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जरूर जो लाइन है उसको जरूर देखिएगा, दो तीन क्वेश्चन हर एक बार पूछ रहा है। ठीक है, कई बार तो पाँच पाँच छः छः दस दस क्वेश्चन हमने देखा है कि इन्हीं सब से पूछ दिया, तो संजोग है, कब क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है, तो इन सब को भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव सेशन जैसे कर रहे हैं हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, वो आपका होता रहेगा। फिलहाल जो है आप लोग जितने भी टेस्ट हैं, सेट है, वो सब बनाते रहिए, और भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, जो भी नोट्स जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ वो HM के लिए है, जो HM की तैयारी कर रहे हैं, HM के एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए है। बाकी इतिहास उतिहास सबको पढ़ना है, चाहे प्रशासनिक हैं, चाहे TRE के एग्ज़ाम है, चाहे 1-5 है, सब पढ़ के जाइए अच्छे से। निश्चित रूप से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछेगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।